नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। सागर जिले की तहसील देवरी के महाराजपुर थाना के पनारी गांव की दो विवाहित महिलाओं को पड़ोस में ही रहने वाले एक दंपति द्वारा अच्छे घर में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने एक दिन पहले मुख्य आरोपी को पूछताछ के लिए बुलाया और धारा 151 की कार्यवाही कर छोड़ दिया था, जिससे गुस्साए ग्रामीण और परिजनों ने बुधवार को महाराजपुर थाने का घेराव किया, जिस पर SDOP पूजा शर्मा ने आरोपियों के विरुद्ध अपराध दर्ज करवाकर मामला शांत कराया है। दरअसल मामला 7 जुलाई का है, जहां एक ही परिवार की दो महिलाओं को पड़ोस में रहने वाले दंपति ने अच्छे घर में शादी कराने का झांसा देकर ले गए थे, जिस पर महाराजपुर पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज किया था। पीड़ित महिला द्वारा थाने में दिए गए आवेदन के अनुसार मामला कुछ ऐसा है कि पीड़ित महिला के पति आए दिन छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ते थे। इसका फायदा उठाते हुए पड़ोसी कल्पना ने कहा कि तेरा पति आए दिन झगड़ा करता है और तुम्हारे घर में खाने के लिए भी नहीं है, तू कहे तो मैं तेरी शादी किसी अच्छे घर में करवा दूँ। और कल्पना ने पीड़ित देवरानी और जेठानी को परिवार के खिलाफ भड़काया तो दोनों कल्पना की बातों में आ गई और दूसरी जगह शादी करने के लिए तैयार भी हो गई। कल्पना के कहने पर देवरानी जेठानी दोनों सागर पहुंच गई। कल्पना चढ़ार के मामा रामदयाल चढ़ार व राजेश चढ़ार मिले, जो दोनों को अपने साथ सैदपुर थाना पठारी जिला विदिशा लेकर गए। तीसरे दिन रामदयाल जेठानी को लेकर कहीं चला गया। करीब 3 दिन बाद कल्पना ने बताया कि जेठानी को अच्छी जगह पर सेट कर दिए हैं, तुम चिंता मत करो, तुम्हें लेने के लिए भी हम किसी को भेज रहे हैं। वही रामदयाल ने उसे राजस्थान में बेचने की बात कही। घबराकर पीड़ित देवरानी ने अपने पति मोहन को फोन किया और बताया कि मैं सैदपुर में हूँ। पीड़ित महिला सागर के लिए बस में बैठी तो रास्ते में कैलाश चढ़ार और कन्हैया चढ़ार दोनों ने महिलाओं को बस से उतार लिया और जंगल की ओर ले गए। दोनों ने मिलकर जबरदस्ती गलत काम किए। महिला को धमकी दी कि यदि किसी को कुछ भी बताया तो जेठानी और तुम्हें जान से खत्म कर देंगे। जेठानी आरोपियों के पास अभी भी है, तो डर के कारण पीड़ित महिला ने पुलिस को कुछ नहीं बताया था। जेठानी व महिला के साथ हुई घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 376D, 120B, 366, 370, 506, 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। देवेंद्र जाट, बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज, देवरी। घटना ये है सर के हमारे यहाँ मुंडी चढ़ार है, वो उसकी पत्नी और ये दोनों हमारी बहू, हमारी बहू और मेरे छोटे भाई की बहू, दोनों को यहाँ से ले गए और ले गए हैं इनके मामा के यहाँ। इनको 2-3 दिन वहाँ रखी है और इनके साथ गलत काम किया है, दुष्कर्म करो है बारी बारी तीनों लोगों ने। वहाँ पे छोटी बहू को तो हमने पा लिया है, लेकिन हमारी बहू अभी तक गायब है। थाने में रिपोर्ट लिखी है सर, और हमारे न्याय नहीं मिल रही थी, तो हमने कल पूरे गाँव वालों को इकट्ठा किया मंदिर पे, सरपंच साहब उनको सबको, फिर सबकी सहमति से आज थाने में फिर से आए। अब सुनवाई अब जारी चल रही है सर, क्या होता है। अच्छा, क्या नाम है आपका? रेवा राम सर। कहाँ के रहने वाले? बनारी महाराजपुर। महिला हमारे यहाँ पे महिला की गुमशुदगी दर्ज हुई थी, महिला को लगातार 16 तारीख को महिला हमें विदिशा से दस्तयाब हुई, विदिशा के सिद्धपुर से। जो महिला को दस्तयाब किया था, इस तरह के कोई तथ्य सामने नहीं आए थे कि ना ही उसने ऐसा कुछ बताया था कि इस तरह कुछ हुआ है। इसके बाद कल रात को सबसे परिजनों को बताया कि उससे रेप हुआ है और आज वो थाना उपस्थित हुई, जिसमें हमने घटना कायम करके जांच की। मैम, एक वो महिला और है जो अभी गायब, कुछ जानकारी नहीं लग रही है? हाँ, उसके विषय में अभी जो महिला हमारे पास आई है फरियादी जो है, उनसे खुद हम उससे पूछताछ कर रहे हैं, बारीकी से जांच कर रहे हैं। जो जो लोग इसमें संलिप्त हैं उनकी तलाश जारी है, जैसे ही लोग सामने आते हैं सेकंड महिला की तलाश के लिए मैं थिंक ऑलरेडी। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।